राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो चलिए आज जानते हैं कि अगस्त मंथ के अंदर क्या होने वाला है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या क्या होगा, किसके लिए है ये रीडिंग। हम चेक करते हैं एंजल से, यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं कि मेरे व्यूअर्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जी निकल कर आए और सभी को सही गाइडेंस और सोल्यूशन मिल पाए और जिसकी भी लाइफ में जो भी होने वाला है हमें एक्यूरेसी से पता लगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगस्त मंथ के अंदर जो भी सिचुएशन से इस वक्त पर मेरे व्यूवर्स गुजर रहे हैं, क्या है उनकी सिचुएशन और क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है जिस कारण से मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से फील कर पाती हूँ और हर रीडिंग में आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपके लिए खास मैसेज होता है जो आपके लिए बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ आपको सही सॉल्यूशंस के साथ मिल पाता है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके और मुझे भी आपकी एनर्जी, आपके साथ एक अच्छा जुड़ाव महसूस हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की, आपने बहुत ज्यादा सराहा, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मुझे दिल बाग बाग हो जाता है, थैंक यू। तो यहां पर मैं देख रही हूं मेरे व्यूवर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे व्यूवर्स जो हैं इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारा दर्द और बहुत सारी डेविल एनर्जी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी के मतलब डेविल एनर्जी ने उनके ऊपर पिछले दिनों में अटैक्स बहुत ज्यादा किए हैं। यहां पर मैं देख रही हूं कोई डेविल एनर्जी बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत गंदे वाले स्पेल्स हुए हैं जिस कारण से कोई स्टक है, आगे बढ़ना चाहता है, आगे किसी का वेट था, या तो आपको किसी का वेट था वो आपके तरफ आने के लिए, मतलब अभी समझ नहीं पा रहा वो पर्सन। ये आप रेजोनेट कर सकते हैं अपने आप से भी, या फिर अगर आप किसी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उस सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। वो अबंडेंस हो सकती है आपके लिए, प्यार हो सकता है, पैसा हो सकता है, कपल लाइफ हो सकती है, मैरिज लाइफ हो सकती है। तो यहां पर हम सिचुएशंस देखेंगे कि क्या है। तो यहां पर एक डेविल एनर्जी मैं देख रही हूं जो जहां पर बहुत गंदे वाली डेविल एनर्जी, कोई छोटी मोटी नहीं, छोटे मोटे स्पेल्स नहीं, बहुत गंदे वाले स्पेल्स हुए हैं यहां पर किसी पर पिछले दिनों में बहुत ही गंदे वाले स्पेल्स किए गए हैं। जिस कारण से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक हो चुका है, या तो आप किसी की तरफ जाना चाहते थे या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो, यहां पर वेट करते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रक हो, आपको लगता है कि चीजें बेटर होंगी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नेगेटिविटी है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी का वेट किया जा रहा है बहुत तहे दिल से। लेकिन अगर वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ा, वो इंसान आपकी तरफ नहीं आया, या तो आपके पर्सन पूरी तरह से स्ट्रक है या फिर आप स्ट्रक हो, कुछ ना कुछ चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें, तो यहां पर ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है। जो यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन का आपको वेट था या जिस अबंडेंस का आपको वेट था, जिस सिचुएशंस में से आप गुजर रहे हैं, किसी भी चीज का अगर आपको वेट था तो अभी वो ना आपकी तरफ उस तरीके से अभी तक नहीं आई। बहुत सारे लॉस आपने झेले, बहुत सारे फीलिंग्स के लॉस देख रही हूं, बहुत सारे पैसे के लॉस देख रही हूं। यहां पर एक सोलमेट कनेक्शन भी है जिसमें बहुत सारा लॉस देख रही हूं। ये चीजें हुई, कोई इंसान प्यार दिखाना चाहता था, देना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार वाली फीलिंग रुक सी गई है, बिल्कुल आगे बढ़ा जा रहा है, हर फीलिंग्स को साइड पर करके आपके पर्सन या आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। और ये कंफ्यूजन और ये जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ एक डेविल के कारण है। एक डेविल एनर्जी लगातार आपके कनेक्शन पर काम कर रही थी, लगातार आप पर काम कर रही थी, आपके पैसे, आप इस वक्त पर बहुत एंजाइटी में या कहीं ना कहीं मायूसी में, कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हुए ऐसा फील कर सकते हो। पिछले दिनों में यही सब चल रहा है आपके साथ और कहीं ना कहीं आपकी रोमांटिक लाइफ खत्म कर दी गई, लस्ट लाइफ खत्म कर दी गई, फिजिकल रिलेशन खत्म कर दिए गए पूरी तरह से और रोक दिए गए। और अगर आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो इंसान भी आपकी तरफ नहीं बढ़ा, कहीं ना कहीं वो स्टक हो गया,
अपनी एनर्जी की तरह, मतलब आप लगातार सोच रहे थे, पॉजिटिविटी से सोच रहे थे कि वो इंसान आएगा आएगा आएगा, और किसी ने आना भी था आपकी तरफ, कोई आया भी था, लेकिन उसके बावजूद ये सारी फीलिंग्स सब कुछ, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी हो रही थी, ये एक डेविल स्टार्टिंग में ही डेविल एनर्जी और एक एग्रेशन से भरी हुई, कोई ऐसा इंसान जो आया भी और नहीं भी आया, इस बराबर इस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि इस सारी चीज को रोक दिया गया, सारी फीलिंग्स को रोक दिया गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से आगे बढ़ रहे हैं, फीलिंग्स साइड रखी जा रही है, टाई हो रहा है या तो आपके और आपके पर्सन के बीच में, या आपकी तरफ से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, आप रेजोनेट कर सकते हैं, क्रॉस वॉचिंग हो सकती है, आप अगर किसी और के लिए देख रहे हो तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, उस पर्सन की भी हो सकती है। तो कोई आगे बढ़ रहा है, अपनी फीलिंग्स से फीलिंग्स को साइड रखकर आगे बढ़ रहा है कोई इस वक्त पर, और ये जो सब कुछ जो भी हो रहा है, आपकी सिचुएशन जो भी बनी हुई है, तो ये सारी सिचुएशन जो बनी हुई है वो सिर्फ एक डेविल एनर्जी के कारण, एक गलत एडिक्शंस के कारण। यहां पर बहुत सारी एडिक्शंस भी हैं, बहुत सारे लोग एडिक्शंस में हैं, थर्ड पार्टी में की एडिक्शंस हो सकती है, अपने बिजनेस की एडिक्शंस हो सकती है, या फिर कोई भी गलत तरीके की आदतें, गलत तरीके का खान पान, गलत तरीके की हरकतें, गलत तरीके की, कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी से प्यार भी करता होता है, या फिर अगर वो फैमिली के अंदर भी है, फिर भी किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पर्सन या फिर नेचुरली किसी गलत संगत के बीच में होने की वजह से गलत आदतों का शिकार होता है, बहुत सारी गलत एडिक्शंस, सेक्सुअल एनर्जी का बहुत ज्यादा मैं यहां पर देख रही हूं, गलत एडिक्शंस, बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाना किसी और चीज की तरफ, किसी और लोगों की तरफ, या मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो भी एडिक्शंस के प्रति, गलत आदतों के प्रति बहुत ज्यादा एडिक्शंस है, बहुत डेविल एनर्जी है, बहुत नेगेटिविटी है, कि जिस कारण से ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनाई गई, ये सिचुएशन, ये लॉस आपको इसीलिए झेलना पड़ा क्योंकि कोई एक पर्सन ऐसा है जो डेविल एनर्जी, नेचुरली उसका दिमाग ही डेविल है, उसके थॉट्स ही डेविल है, और यहां पर बहुत सारे गलत डेविल्स एनर्जी, मतलब एक बहुत बड़ी एक क्रिया जिसे तांत्रिक क्रिया कहा जा सकता है, वो मैं देख रही हूं, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये सिचुएशन क्रिएट हुई है बहुत जबरदस्त, एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ एक डेविल एनर्जी चल रही है, एक नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे एडिक्शंस और बहुत सारे टोने टोटके, तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज्यादा आपके साथ चल रही हैं, कोई बार बार आप पर अटैक कर रहा है, बहुत जबरदस्त अटैक कर रहा था अभी पिछले टाइम से बहुत ज्यादा, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा सिचुएशंस का सामना कर रहे हो, बहुत अपनी सारी फीलिंग्स को भूल भाल के साइड पर करके अब आपको नहीं समझ आ रहा। यहां पर कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस आगे बढ़ने वाले हैं, कोई यहां पर फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहा अपने मन की, बहुत प्यार है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लेकिन वो सारा प्यार कहीं ना कहीं आपके अंदर दफन होके रह गया है, बहुत सारा लॉस देख रहे हो अपनी फीलिंग्स के अंदर, अपने पैसे, मतलब कहीं ना कहीं काम भी रुके हुए हैं, और आप आगे बढ़ना चाहते हो इस सारी सिचुएशन से, अब आगे बढ़ना चाहते हो, और बहुत सारे लोग बढ़ भी रहे हैं, ये फीलिंग्स सब साइड हो जाएंगी, लेकिन ये मायने बहुत रखती थी, ये फीलिंग्स, ये प्यार, ये अपनों का अपनापन बहुत मायने रखता था, लेकिन ये इंसान बिल्कुल वो कर दिया गया, मतलब एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्टक कर दिया गया, पूरी तरह से उसे अपनी फीलिंग्स को मार कर साइड करना पड़ा, अपनी पूरी की पूरी फीलिंग्स को उसने साइड पे रखा है कोई एक इंसान ने, और वो आगे बढ़ रहा है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, तो बहुत सारा लॉस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी भी यहां पर मैं बहुत कम देख रही हूं, लेकिन है यहां पर बहुत ज्यादा लॉस देख रही हूं, बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है आपकी इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके पैसे का। तो आखिर क्या है, हम देखेंगे कि आखिर ये डेविल एनर्जी है क्या, एडिक्शंस है या किसी की वजह से है, या स्पेल्स है, या क्या कारण है कि आपको प्योर होने की वजह से, प्योर होने के बावजूद
सच्चे इंसान हो अगर आप, आपने रिश्ते को अच्छे से निभाया, चीजों को अच्छे से किया, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे से निभाया, तो आखिर आपके साथ ये चीजें क्यों घटित हुई हैं, किस कारण से दिल टूट गया? बिल्कुल दिल टूट गया है, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और ये दिल अब काबू में नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लॉसेस बन चुके हैं, बहुत सारा दर्द आ चुका है, फीलिंग्स को पूरी तरह से मार कर कोई इंसान साइड कर चुका है और आगे बढ़ने वाला है अपनी हर फीलिंग्स, मतलब ये झूठे प्यार व्यार इन सारी चीजों से आगे बढ़ने वाला है, उसके मन के अंदर ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, जो भी पिछला था वो सब छूट जाने वाला है, खत्म होने वाला है और ये सारी सिचुएशन घटित होगी बहुत ही जल्द। हम ऐसा देखेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो ओके यहां पर देखा जा, आप खुद ही देख लीजिए, आपका पैसा, आपका प्यार, आपके रिश्ते, आपका परिवार अगर किसी की नजरों में पूरी तरह से आ चुका है, बहुत गंदी नजरें लग चुकी हैं आपके प्यार को, आपके पैसे को, आपके जर्नी को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की गई है एक डेविल एनर्जी ने, आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है, बिल्कुल क्रिएट की है, ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, कोई नहीं चाहता था कि आपकी खुशियों को पसंद नहीं कर पा रहा, कोई आपकी अबंडेंस को पसंद नहीं कर पा रहा, कोई आपकी खूबसूरती को पसंद नहीं कर पा रहा, कोई आपके काम को पसंद नहीं कर रहा, कोई आपके प्यार को तहस नहस करना चाहता है, कोई जल रहा है आपके बहुत ही अच्छे रिलेशन से, जो सोलमेट कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इससे कोई जल रहा है, कोई दुखी हो रहा है इसे देख देख कर, जिस कारण से आप दोनों के बीच में एक दूरियां क्रिएट की गई, आप दोनों को अलग किया गया और फिजिकल रिलेशन आपके बिल्कुल खत्म कर दिए गए, कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नहीं बढ़ना चाह रहा, आपकी तरफ आना भी चाह रहा है लेकिन नहीं आना चाह रहा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन एक डेविल एनर्जी पूरी तरह से क्रिएट कर देगी, ताकि आपके लाइफ के जो पाथ है, जो आपकी जर्नी है, वो उसे रोक देना चाहता है, कोई तो है जो इस जर्नी को रोक देना चाहता है, ना बढ़ सके आप इस जर्नी में आगे। जर्नी का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता, सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी, जर्नी का मतलब होता है अध्यात्म, अध्यात्म में भी अगर आप हैं पूरी तरह से ईश्वर पर सरेंडर किए हुए हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई नहीं पसंद कर पा रहा, आपको नहीं पसंद कर रहा, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि आप अखंडित किए जाए, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसे अखंडित किया जाए, आप जो अध्यात्म में इतना हो या फिर इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हो तो आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से खंडित किया जाए, जिस कारण से आप अपने लाइफ पाथ में जिस तरीके से आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा था या हो रहा है, जिस तरीके से आपने अपने आप पर काम किया है, अपने अंदर के चक्रों को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशंस में लाते हैं, तो हमारी वो लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं, हमारी लाइफ में वो बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं, लस्ट लाइफ लाते हैं, एक सादगी से एक ग्रस्त लाइफ लाते हैं, बहुत सारा प्यार लाते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिविटी के साथ हमें दिया जाता है ईश्वर की तरफ से, ये संसार हमें गिफ्ट में दिया जाता है, यहाँ की खुशियां हमें गिफ्ट में दी जाती हैं, जिसे रोकने का काम किया है डेविल एनर्जी ने, कोई पर्सन है ऐसा जो नहीं चाहता कि आपकी तरफ आती हुई वेल्थ, आपका पैसा, आपकी आध्यात्मिकता, मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो आप अचीव कर रहे हो, अगर आपने बहुत सारा पैसा अचीव किया है या फिर अपने पैसे पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनती हो, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है, ऐसा इंसान वो चाहता है कि आपके लाइफ पाथ बंद हो जाए, जो आपकी तरफ दरवाजे ईश्वर ने खोले हैं, आपने इतनी मेहनत से जिस पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस मेहनत को ना कर पाए, उस पाथ पर ना चल पाए जिस पाथ पर चलकर ईश्वर से आप एक होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी जेलसी का कोई जलन है, बहुत ज्यादा जलन है, बहुत ज्यादा दुख है, किसी को आपकी लाइफ में इतनी खुशियां और अबंडेंस आती हुई, बाहर से वो आपको अच्छा दिखा रहा है लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं दुखी है और लगातार जेलसी है उनके मन में, और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ पाथ में आप आगे बढ़े, वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी रोकना चाहता है किसी ना किसी तरीके से, और आपकी अगर आप बहुत मेहनती और काम कर रहे हैं तो आपकी उस मेहनत को, उस काम को, उस पैसे को पूरी तरह से किस तरीके से खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से क्लोज कर दिया जाए, आप आगे ना बढ़ पाए, आप खुशियां अचीव ना कर पाए, आपकी लाइफ में जो ईश्वर डोर ओपन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन सारी चीजों को से
वंचित रह जाएं, आगे ना बढ़ पाएं। मतलब आपको रोकने की पूरी पूरी कोशिश की है ताकि आप पूरी तरह से रुक जाएं, आपका दिल टूट जाए पूरी तरह से और आपकी जो खुशियां हैं, जो आपका दिल इतना खुश मिजाज है, आप लोगों में खुशियां बांटते हैं, अनकंडीशनल लव में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन में इतना फंसा हुआ महसूस करें, इतना दर्द, इतना दुख और इतनी मायूसी हो आपकी लाइफ के अंदर और आप ये सारी चीजों को पार कर जाएं और ना तो आपका पैसा रहे, ना आपके पास फीलिंग्स रहे, ना आप उस फीलिंग्स को दिखा पाए, ना ही मतलब लगातार हर चीज का लॉस। कोई इंसान चाहता है कि लगातार आपकी लाइफ में लॉस होता हुआ वो देख पाए, क्यों? क्योंकि वो आपसे खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी आपको खुश देखना ही नहीं चाहता। आखिर कौन है ऐसा इंसान, हम देखते हैं कि आखिर कौन है, क्यों हो रहा है ऐसा, जब आपने किसी का कभी बिगाड़ा ही नहीं कुछ, जब आपने किसी को कुछ कहा ही नहीं, तो आखिर वो इंसान कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। मैं नेक्स्ट, वाओ, चलिए हम, ये तो नतीजा निकल गया कि किसी ने आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए एक टावर क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो आखिर हम ये भी देखते हैं कि आखिर है कौन, वो है कौन, प्लीज यूनिवर्स बताइए आखिर कौन है वो, कौन नहीं चाहता कि आपकी लाइफ इतनी खुशियों भरी हो, आपकी लाइफ लव लाइफ कौन नहीं चाहता, प्लीज यूनिवर्स बताइए। ओके, यहां पर कोई एक ऐसा इंसान है, कोई ऐसी लेडी है जो जिसे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास वो सारा कुछ है जो उसके पास नहीं है, कोई आपको कॉपी कर रहा है, कोई आपकी मतलब आपको कोई कॉपी कर रहा है, आपकी तरह ही बनना चाहता है, लेकिन वो स्किल्स, वो सच्चाई, वो सच आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है और वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस तरीके से वो कर सकता है, ये अचीव कर सकता है। कोई ऐसी लेडी जिसे पैसे से बहुत प्यार है, कोई ऐसी लेडी जिसे बहुत प्यार है अपने पैसे से, ओके, कोई ऐसे दुश्मन जो छुपे हुए हैं लेकिन सामने से सामने ही हैं, आपकी आंखों के सामने ही कोई इंसान है जिसे आप जानते हो, आपके परिवार में है, जो आपको लगातार कॉपी करता है, आपके साथ हंसी मजाक करता है, जोली नेचर है, बहुत खुश मिजाज रहना, बहुत खुशी खुशी दिखाना, लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिखावट है, जो उसने नकाब पहन रखा है उसे पहचानो, कौन है ऐसा, जैसा इंसान जो आपके आसपास ही है, लगातार आपको कॉपी करता है, आपकी वो कहते हैं ना रीस लगाना, कंपटीटर है आपका, लेकिन ऐसा दिखाता नहीं है, लगातार आपको देखता है, बहुत सलन होती है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि वो ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन आपको देखकर वो लगातार अपने आपको कॉपी करना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके अराउंड, आपकी ही फैमिली का इंसान या आपकी जान पहचान का, आपका पड़ोसी, आपकी ही फैमिली का इंसान मैं देख रही हूं, कोई ऐसा जो डेविल एनर्जी रखता है, अंदर ही अंदर बहुत ही गंदे विचार रखता है और बहुत गंदी क्रियाओं में भी ये लगातार लिप्त है, ये बहुत सारे स्पेल्स, बहुत सारा मतलब दिखाने में एक ऐसा बचपना, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही जैसे इस इंसान को मतलब किसी चीज से, गलत चीजों से लेना देना ही नहीं, लेकिन आपकी रोशनी को देखकर ये चकाचौंध रहता है, आपके सच को देखकर, आपकी अबंडेंस को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर किसी भी तरीके की जेलसी का काम, मतलब इसके अंदर ना आपके लिए वो सिचुएशन है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके आपके बारे में इसके जो वो विचार हैं आप समझ भी नहीं सकते, आपके सामने ये आपकी तरफ इतना जबरदस्त दोस्ती का हाथ रखता है, कहीं ना कहीं आपको महसूस करवाता है कि आपको पसंद करता है, आपके लिए है, आपको अच्छा मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपको अपनापन बहुत दिखाता है लेकिन अपना है नहीं है, कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर लगातार ये रहता है, ये स्टक रहता है, इसको समझ नहीं आता कि क्या ही करे, किस तरीके से आपकी तरफ, किस तरीके से आपकी तरह बन सकता है, ये बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारा दिमाग को चलाना, बहुत कुछ होता रहता है इसके, लेकिन ये स्टक है, चाहे ये कितना भी कुछ कर ले ये आपकी तरह नहीं बन पा रहा, जिस कारण से इसको बहुत सारी जेलसी है आपको बढ़ता हुआ। अगर आप कोई काम करते हो या फिर मीडिया पर भी हो या यूट्यूबर हो या मेरी ही तरह टैरो कार्ड रीडर भी हो, तो कहीं ना कहीं ये ना आपको देखकर, लगातार आपकी रोशनी को देखकर, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, इसे देखकर कहीं ना कहीं ये
अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जलता रहता है, परेशान रहता है और समझ नहीं पाता, कुछ भी कर ले ये वो नहीं बन पाता जो आप हो, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा स्टक भी रहता है कि कैसे कैसे मैं इसकी तरह हो सकता हूँ, कैसे ये इतना खुश है, कैसे इसके पास पैसा आता है, कैसे इसके पास हर चीज है। मतलब आप अनकंडीशनल लव में रहने वाले एक बहुत ही खास इंसान हो ईश्वर के, और एंजल्स हो आप, लेकिन ये इंसान इस चीज को ना समझ के इस चीज पर चला जाता है कि वो आपसे कंपटीशन करना चाहता है। लेकिन इसे ये समझना होगा कि ये ईश्वरीय शक्ति ही होती है जब हम इतना कुछ पा लेते हैं और संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ये लेडी कभी संतुष्ट ही नहीं हुई क्योंकि इसे पैसे से बहुत लगाव है। यहां पर एक मदरली नेचर देख रही हूं, यहां पर माता श्री हो सकती है, किसी की छोटी बहन हो सकती है, किसी की बड़ी बहन हो सकती है। ये मैं कुछ उनकी कोशिश कर रही हूं कि मैं आपको वो थोड़ा सा एक एक्यूरेसी दे सकूं, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं एक छोटी बहन या फिर एक बड़ी बहन, एक मदर फिगर, मदर अपने से बड़े मतलब अपनी एज से बड़ी सासू माँ हो सकती है, मदर हो सकती है, अपनी सगी मदर हो सकती है। और मैं यहां पर देख रही हूं मदर फिगर जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, कोई ऐसा इंसान जैसे बड़े लोग होते हैं ना हमारे रिश्तेदारों में भी, तो वो बहुत ज्यादा प्यार जताना, बहुत ज्यादा प्यार होना, तो वो भी हो सकती है। यस, यहां पर कोई किसी का मामा भी हो सकता है, किसी की मामी भी हो सकती है, ठीक है, मामी भी हो सकती है, छोटी मामी हो सकती है, छोटी मामी, ठीक है, जैसे एक होता है ना कि बड़े मामा जी छोटे मामा, तो यहां पर किसी की छोटी मामी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है जिसे पैसे से बहुत प्यार है, बहुत लालच है, किसी की माता श्री हो सकती है, किसी की सासू माँ हो सकती है, किसी का बड़ा भाई हो सकता है। यस, किसी का बड़ा भाई जो बहुत जेलस करता है, बहुत ही तेज तरार गुस्सा भरा हुआ, बहुत ही गुस्सा भरा हुआ, और इनके साथ सिचुएशन क्या है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनका रूट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, इनका रूट चक्रा ब्लॉक है, जिस कारण से इनकी संतुष्टि ही नहीं होती। इनके पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, इनको संतुष्टि नहीं होती है। ये लालच से भरे हुए लोग हैं, मतलब लालच क्या, इच्छा ही नहीं खत्म होती, संतुष्टि ही नहीं होती, कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही काम कर ले, कितना ही पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं इनका लालच बनता ही रहता है, बनता ही जाता है। इन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और सब कुछ होते हुए भी इनके पैसे का लालच ही नहीं खत्म, मतलब जितना इनके पास है उनको संतुष्टि ही नहीं है। और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉकेज है, बहुत जल्दी जेलस हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी किसी भी बात पे रिएक्ट कर देना, बहुत जल्दी किसी, ये उनके सिम्टम्स बता रही हूं जो आपकी तरफ डेविल एनर्जी का काम करते हैं, जो आप पर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, कहीं ना कहीं हाय लगना, इन लोगों की हाय है आपके पैसे पर, आपके प्यार पर, कि कैसे इसका प्यार इसे इतना प्यार कैसे करता है, इसका प्यार इसे इतना प्यार कैसे कर सकता है, कोई इसका किसी का कितना ख्याल रख सकता है, किसी के साथ इतना अच्छा रिलेशन कैसे हो सकता है। तो ये बहुत गंदी वाली एनर्जी आपकी तरफ फेंकी गई है, बहुत गंदे वाली हाय आपकी तरफ है, बहुत गंदे वाली, जिस कारण से आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई होगी, और उस सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि ये इंसान ना भले कितना प्यार दिखा ले, इसके मन के अंदर सच्चाई नहीं है, जिस कारण से ना मतलब ये अनकंडीशनल लव तो कर ही नहीं पाते, बहुत गुस्सा, बहुत लड़ाई झगड़े, रिएक्शन एक्शन मिनटों में होते हैं, मिनटों में, और कभी भी किसी को जल्दी किए माफ नहीं कर पाते। ये सारे सिम्टम्स बता रही हूँ, ठीक है। तो अगस्त मंथ में आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, क्या यही सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी, या ईश्वर कुछ हमारे लिए जस्टिस भी लाएंगे, ऐसा अगर मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ भी ऐसा है, ईश्वर प्लीज बताइए कि उन्हें अगस्त मंथ के अंदर क्या मिलने वाला है, उनकी लाइफ में उन्हें कैसे चलना है, उनकी लाइफ में आखिर होगा क्या, उन्हें जस्टिस मिलेगा, उन्हें अपना प्यार मिलेगा, उन्हें अपना पैसा मिलेगा कि नहीं, हमारा ये क्वेश्चन है यूनिवर्स से, हम देखते हैं। ओके, तो यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारी सिचुएशंस को चेंज होते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना है अगस्त मंथ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जिस इंसान का आपको वेट है, जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हैं, अगर आपका कोई गोल्स भी है, कोई गोल अचीव करना चाहते हो, या किसी पर्सन, तो मायूसी है, सब कुछ है, लेकिन आपको क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी कि आपकी लाइफ में ना ये बहुत सारी अबंडेंस, जिस गोल को आपने अचीव करना चाहा था, तो किसी ना किसी कारण से, अगर आपके
पर्सन आपसे दूर है, आपका प्यार आपसे दूर है, तो आपके गोल्स अचीव होते हुए मैं देख रही हूं। यहां पर मैं आपके गोल्स अचीव होते देख रही हूं, जो इच्छाएं आपने कभी जिंदगी में रखी थी, जो इच्छाएं आप रख रहे थे, या आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम थी, या आपको जॉब से, या किसी भी ऐसी सिचुएशन जो वेल्थ के अकॉर्डिंग थी, वेल्थ से रिलेटेड करती थी, मतलब रिलेट करती थी, जो आपको नहीं समझ आ रहा था कि आप कैसे अचीवनेस में आए, किस तरीके से वो चीजें कर पाए, अपने आइडियाज पे कैसे काम कर पाए, किस तरीके से क्या ही करें कि लाइफ को चेंज कर पाए, तो वो क्लैरिटी आती हुए, वो चीजें करते हुए, वो गोल्स अचीव करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। हो सकता है बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी मायूसी, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सारी थॉट्स आपके अगस्त मंथ में चलने वाले हैं, लेकिन आने वाला वक्त आपको इस क्लैरिटी में लेकर आएगा, या फिर उस सिचुएशंस तक पहुंचाएगा कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या प्यार भी किसी को, क्योंकि गोल्स अचीव करोगे ये तो पक्की बात है, कोई इंसान आपको भूल नहीं पाएगा, कोई इंसान आप पर ही फोकस्ड है। जिस इंसान ने आपको मायूस किया, जिस इंसान ने आपको दर्द में डाला, जिस इंसान ने आपको अकेला किया, वो इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं, मतलब उसे आपका ध्यान आएगा, और वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में कितना भी गया हो फिर भी उसको, वो आपको भूल नहीं पाएगा। अगस्त मंथ के अंदर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान उदास होने वाला है। अगर आप किसी ने आपको जगलिंग में डाला है, तो जिस इंसान ने आपको ऑप्शन में डाला है, अभी वो बहुत परेशान होने वाला है। नेक्स्ट कहीं पर किसी की अगर डाइवोर्स की सिचुएशन थी, या फिर अपने सोलमेट से बिछड़ने का दर्द, या एक सेपरेशन बना हुआ है, तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, यहां पर बहुत सारे लोगों का मैं स्थान परिवर्तन भी देख रही हूं, रिलेशन से दूरी भी एक स्थान परिवर्तन है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई इंसान आगे बढ़ सकता है, जा सकता है, जिस कारण से वहां पर अगर वो काम भी करता है, कुछ भी करता है, बहुत सारी चीजें भी अचीव करता है, बहुत कुछ उसके पास है भी, था भी या होगा भी, तो उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस होने वाला है, बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है। जिस इंसान ने आपको ऑप्शन में डाला, तो कहीं ना कहीं उसे महसूस हो सकता है कि उसने अभी तक की जो सिचुएशन क्रिएट की, बहुत सारी जिद के कारण वो आगे बढ़ गया, जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, जिस इंसान ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की ऐसी, जो आपको, मतलब जिसने आपको ऑप्शन में डाला और बहुत सारी सिचुएशन भी क्रिएट की, आपको चीट भी किया, तो वही इंसान अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। पैसों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें भी होंगी, बहुत कुछ होगा, जिस कारण से यहां पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि वही इंसान आपकी तरफ बढ़ना तो चाहेगा, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के साथ, अपनी मतलब स्लो बहुत अपने तरीके से, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से वो आप, तो जिस इंसान ने आपको ऑप्शन में डाला था, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आता हुआ तो नजर आ रहा है, बहुत स्लो, बहुत सारी चीटिंग करने के बाद, उसे मतलब बहुत सारी चीजों को समझते हुए, बहुत सारी चलाकियों के साथ ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा भी, बहुत सारी डिस्कशंस भी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये कोशिश करेगा कि इस रिश्ते को किस तरीके से सेव किया जाए, क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि अब वो अपनी जिद, अपनी झूठ, अपनी उस जगह से आगे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट अगस्त के बाद बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से आपके सामने आएंगी, जिन लोगों ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की, जिन लोगों ने आपके पास साथ चीटिंग की, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, उन लोगों की लाइफ में आने वाला है बहुत सारा दर्द। सडनली उनके साथ उनकी न्यू बिगिनिंग रुक जाएगी, सडनली उनके साथ ऐसा होगा कि उनके कोष, अगर उन्हें धन का, अपने पैसे का बहुत घमंड है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं खाली होता हुआ नजर आ रहा है। उस अगर आपने कर्जा ले रखा है, या फिर लगातार आप ऐसी किसी एडिक्शंस में हो गलत तरीके की, तो आपको अपनी इस एडिक्शंस पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारी गरीबी, बहुत सारा कर्जा, बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स आपके खुलने जा रहे हैं, तो कार्मिक अकाउंट्स आप पर काम ना करें, इसलिए आपने लगातार ईश्वर के साथ बने रहना है, सच्चाई के साथ बने रहना है, क्योंकि लोगों की लाइफ में बहुत सारी तंगी बनी हुई थी, गरीबी बनी हुई थी, कर्जे लिए हुए थे, कर्ज नहीं उतर रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, उन लोगों की लाइफ के अंदर मतलब कुछ चेंज आने वाला है, सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे, आइडियाज के रास्ते खुलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अचानक से होगा
कि अचानक से आपकी लाइफ के अंदर आप बहुत ज्यादा अबंडेंस देखोगे। आपके हो सकता है कि कोई अचानक से कोई पुराने पुश्तैनी कुछ आपको मिल सके, पुश्तैनी कुछ आपको मतलब अचानक से कुछ अबंडेंस आती हुई देख रही हूँ, एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। अचानक से ये चीजें होंगी अगस्त मंथ के बाद। जिस गरीबी से, जिस सिचुएशन से, जिन समस्याओं से आप घिरे हुए थे, वो सारी की सारी समस्याएं कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। आपकी लाइफ में सडन होगा, अचानक से होगा। जैसे आप बैठे होगे और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होगे, बहुत सारे दुख में होगे, तो अचानक से आपकी सच्चाई को देखते हुए ईश्वर आपको ये फल देने वाले हैं। आपको बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीजें आप पीछे छोड़ते हुए आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपकी सच्चाई के, आपकी ईमानदारी के आपको वो रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर अगस्त मंथ के बाद, अगस्त मंथ में और अगस्त मंथ के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। तो आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही हमेशा बने रहिए। जो आपके साथ गलत भी कर रहे हैं उनको भी माफ करते हुए आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपको वो हर चीज अचीव कर सकें जिसके आप हकदार हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपने किया है। आई विश यू, मैं ईश्वर से गुहार करती हूँ, ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां बनी रहे, आपको जस्टिस मिले। आपकी लाइफ में जो भी अभी तक आपने किया है आपको उसका वापसी जरूर मिले, ताकि आपका विश्वास और फेथ लगातार बना रहे। क्योंकि ईश्वर बहुत लंबी लंबी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं लाइफ में अपना बनाने के लिए, सिर्फ अपना बनाने के लिए। इतना सा उन्हें अपने आप से मतलब इतना सा उन्हें आपसे स्वार्थ होता है कि आप सच्चाई में आए, सही पाथ पर चलें, सही लोगों को सही तरीके से पहचान सकें, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाएं। मेडिटेशन करने के लिए वो इसलिए कहते हैं कि ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाएं और समझ सकें कि इस संसार में किस तरीके से रहना है, इस संसार में आपका अपना कौन है, पराया कौन है, सही पाथ क्या है और किस तरीके से आपको बढ़ना है। आई विश यू कि मेरे सारे व्यूअर्स को वो सारी खुशियां मिले, उनकी इंट्यूशंस बढ़े और उनकी लाइफ में जो डेविल एनर्जी है हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। यस, कर दी जाएगी। शनि देव जी आ रहे हैं हर बुरी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो रीडिंग सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और अगर किसी को इस रीडिंग की जरूरत है, किसी के साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहां पर सारे ही जोडिक साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कौन सा है यार, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है, अगस्त मंथ की रीडिंग है, तो आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं अपने आप से। आई होप कि आप सभी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। शनि देव जी आपके साथ न्याय करेंगे, न्याय मूर्ति हमेशा न्याय ही करते हैं। जो भी आपके अंदर बने हुए ब्लेम क्लेम है वो सारे बहुत जल्दी हटते हुए देख रही हूं मैं। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, नेक्स्ट डाउनलोड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।